अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल 51 न्यूज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मुल्क भर की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं साहिया जमाल। सबसे पहले हेडलाइंस। खैरपुर नाथिनशाह शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सिविल सोसाइटी की दीदारगाह सैयद नाथिनशाह से रैली, शुरकान ने महकमे बल्दिया के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, चूड़ियाँ और दुपट्टे बांध कर शदीद नारेबाजी की। लोअर दिल के इलाके तिमलगिरा की पहाड़ों में आग भड़क उठी, रेस्क्यू अमले DFO की निगरानी में आग बुझाई। पहाड़ी इलाका होने की वजह से अमले को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना, DFO भी जख्मी हो गए। पत्तोकी के इलाके फूल नगर सिविल अस्पताल का मसीहा जालिम बन गया। डॉक्टर ओवैस ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए सब्जी और फ्रूट वाले गरीब रेड़ी बानुओं को मुफ्त अशिया न देने पर थाना बंद करा दिया। मुतासरीन के मुताबिक डॉक्टर ने पुलिस के साथ मिलकर गरीब रेड़ी वाले को हवालात की सैर कराई, नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी खवातीन मर्दों के मुकाबले में किसी से कम नहीं। विहाड़ी के नवाही गांव की रिहायशी 18 साल अक्सम मिल्क लेब की इंचार्ज बन गई। अपने ही मिल्क कलेक्शन सेंटर को लेब में तब्दील करके दिगर खवातीन के लिए मिसाल बना दिया। पतोकी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर के मुबैना गफलत ने 1.5 साल बच्चे की जान ले ली। मासूम बच्चे बरियान अहमद को सांस की तकलीफ की वजह से अस्पताल में लाया गया। बच्चे की वफात पर लवाहिकीन का एहतजाज, आला हुकाम से इंक्वायरी और इंसाफ का मुतालबा।